हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप इसकी पहली वाली वीडियो में आपको मेरे पूरे टेबल्स कैसे बनाने हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमने टेबल बनाना सीख ही लिया और टेबल बनाना अब हमें आता है तो इसका यूज़ क्या। ठीक है, तो इसका यूज़ एक्सरसाइज की 8.2 और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें आने वाला। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 6। इन एग्जाम्पल 6 है, ठीक है, इसका पहला यूज़ यहीं पे है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी, ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। अब देखो, इसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि, चलो मैं आपको फिगर में बताता हूँ, मैंने जो फिगर बना रखी है उसमें बताता हूँ। ठीक है, अजम्पशन कैसे करना है, ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस पे कैसे अप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पे तो हमें बी सी और ए सी निकालना है, बट हम फिगर में दूसरा कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख के रखा है एंड फिगर ड्रॉ करके रखी है, जो फिगर था। ठीक है, देखो इसको एक समझ लो, ये बिल्डिंग है, जैसे मैंने बोला था इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे लेके इसके करते हैं, ये समझ लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग जैसे ही, ठीक है, अभी बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट करते हैं अज्यूम। अब यहाँ पे वो लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया और इसे पता है कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है, उसे ये पता करना है कि वो कितनी दूर पर खड़ा है। ठीक है, वो इससे पता करना है। ठीक है, तो बी सी हो गया, मतलब रोड के इस पार समझ लो, ये यहाँ पे खड़ा है कहीं दुकान के पास में, तो ये इसे निकालना है बी सी। उसके साथ हमें ए सी भी निकालना है, ठीक है, ए सी भी निकालना है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हमें यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन। जैसा कि ए बी हमें पता है 5 सेंटीमीटर एंड सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऐसी चीज़ अप्लाई करनी है जिसमें मुझे ए बी मिल जाए, ए बी भी रहे मेरा रेशियो में और बी सी भी रहे मेरा रेशियो में, और ए सी, क्योंकि एक बार में तो हमें पता है कि दो ही आते हैं, जैसे पी बी पी एंड एच एच बी, जैसे हमें याद है यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, तो एक बात बताओ, अगर मुझे बी सी निकालना है तो बी सी क्या होता है, यहाँ पे बेस होता है, तो बेस बेस के साथ फार्मूला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो फिर भी, ठीक है, यहाँ पे, बट यहाँ पे दोनों ही अननोन है फिलहाल के लिए, तो हम ऐसा यूज़ करेंगे जो एक नोन हो, एक नोन हो, हमें एक पता हो और दूसरा अननोन हो। तो पी अपॉन मैच अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, परपेंडिकुलर मुझे पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, तो डायरेक्टली मेरा क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला यही अप्लाई करेंगे, जो एक किसके लिए अप्लीकेबल होता है, साइन के लिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ एंगल दे रखा है तो साइन 30 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द लेंथ्स, लेंथ्स कौन सी, बी सी एंड ए सी, वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, अब यहाँ मैंने क्या बोला था, साइन 30 ले लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनस, तो मैं अप्लाई भी करूँगा साइन 30 होता क्या है, पी अपॉन मैच, परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो इसकी मैं वैल्यूज लिखता हूँ ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी। अब देखो साइन 30, जैसा कि हमने टेबल पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पे मैं साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, तो मैं वो वैल्यूज रख दूंगा साइन 30 की जगह पर। ठीक है, देयरफॉर साइन 30 हो गया मेरा 1 अपॉन में 2 और ये वैल्यूज हो गई ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब ए बी मुझे पता है, ए बी किधर 5 सेंटीमीटर, हियर ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो मुझे ए सी मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था एक नोन वाली हम वैल्यूज़ को उठाते तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यही था डबल इम्प्लाइज, देयरफॉर
AB, AC इक्वल्स सॉरी सॉरी आपको पूरा ही बता देता हूँ अच्छे से, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया, और यहाँ पे देखो AC में ले सकता हूँ AC। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे तो ये आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो ये AC मेरा इधर आ गया। AC × 1 क्या होगा, AC इटसेल्फ, और 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। डेट मीन्स मुझे AC मिल गया, वो कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर, डेट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो AC एक वैल्यू मेरी नोन हो गई। अब मुझे ये पता है मुझे BC निकालना है, ठीक है। BC क्या है मेरा, यहाँ पे फिलहाल बेस है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस अगर मैं ले लूँ तो भी मुझे पता चल सकता है, एंड P अपॉन में B ले लूँ तो भी मुझे पता चल सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, चाहे मैं टेन यहाँ पे अप्लाई करूँ, चाहे यहाँ पे मैं कॉस अप्लाई करूँ, ठीक है। क्यों कॉस, क्योंकि बेस तो मुझे पता है, बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेनस ऑलरेडी मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं कॉस अप्लाई करता हूँ, ठीक है। नाउ अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच, ठीक है। टेक्स्ट बुक में टेन लेके गया, बट आप कोई भी वैल्यूज लेके कर सकते हो। बी अपॉन में एच, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बी क्या है मेरा, बेस जो इससे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस मेरा, तो बी सी। एच क्या है मेरा, ए सी, जो मैंने अभी अभी ढूंढा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos 30, अगेन मुझे टेबल देखना पड़ेगा, cos 30 के लिए वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। cos 30 के लिए क्या है, √3/2, तो यहाँ cos 30 को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √3/2 इक्वल्स टू, ठीक है, BC/AC, जिसमें से AC मुझे अभी पता चला, तो AC यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और इसे बॉक्स में रख देते ताकि हमें इजली, तो AC की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC/10। तो इसे फर्दर आगे लिखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से मुझे BC मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा twice BC, ठीक है, twice BC, और √3/10, सिर्फ BC चाहिए, तो BC = √3/10/2, तो ये 2 से कैंसिल, 5, तो ये हो गया वैल्यू 5√3, तो BC मेरा देयरफॉर क्या आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से देखो हमारे दोनों वैल्यू आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस हेंस BC = 5√3 सेंटीमीटर, एंड AC जो हमारा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और इसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब प्लीज़ इस तरीके का ना करिए, आपके पास नोटबुक बड़ी है, मेरे पास ये थोड़ी छोटे पेजेस वाली नोटबुक है, तो मैंने इसे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया और लास्ट में हेंस लिखा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये इसके जस्ट नीचे है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, एंड एक बार समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, एंड अब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाए चैनल को, एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर वीडियोज़, ठीक है। आपके 10th स्टैंडर्ड में ये पूरा काम आने वाला है, ठीक है, जितना आप समझ के करोगे, इस तरीके का कोई नहीं करवाता, ठीक है, ये समझा के इतना डिटेल में, ठीक है, ये मैंने करवाया खुद ही।